Hello, I am Monica Singhroha from IELTS9 channel. Okay, in this video, we are going to discuss true, false, not given, and this uh, true, false, not given I have taken from this reading. This is T and the Industrial Revolution, and this is reading passage one, academic reading passage one. Book is Cambridge IELTS fourteen. Okay, test two. Okay, let's read the. Uh, instructions you must be aware when we have to take true and false and not given okay but most of the time students are often confused in this false and not given statements okay let's discuss it one by one uh, first uh, always read the statement twice or thrice okay china's transport system was not suitable for industry in the 18th century okay विद द हेल्प ऑफ दिस एटीन सेंचुरी एज वेल एज चाइना आई आई विल कम टू नो वट इज़ द लोकेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द रीडिंग पैसेज ओके इस स्टेटमेंट के साथ हमें पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पर हमें आ, ल, दीज की वर्ड्स के साथ मेरे को पता चल जाएगा कि हमें आंसर कहाँ देखना ओके okay. अब उसके बाद ओके okay, हमें आ,

पैराफ्रेजिंग होगी अगर पैराफ्रेजिंग करके वो इंफॉर्मेशन दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ मीनिंग मैच होता है देन देन इट्स ट्रू फॉल्स फॉल्स इफ इफ इट 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 मैच इज सम और मेजर इंफॉर्मेशन इज मिसिंग देन नॉट गिवन ओके ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाइनाज ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट सुटेबल फॉर इंडस्ट्री इन दिस ओके अगर वहाँ पे हो कि ये वाला अगर पार्ट मिसिंग है कुछ कि चाइना ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था वो नॉट सुटेबल फ़ॉर इंडस्ट्री था एटीन सेंचुरी या ट्वेंटी सेंचुरी तो हमारी इंफॉर्मेशन थोड़ी कॉन्ट्राडिक्स कर रही है तो मीन्स डैट इज़ फॉल्स इफ़ अगर ये भी कहता है कि चाइना ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज़ नॉट सूटेबल फ़ॉर अगर ये बोल रहा है कि सूटेबल फ़ॉर इंडस्ट्री टी इंडस्ट्री और रैनी इंडस्ट्री जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी तो अपना फॉल्स होगा लेकिन इसमें अब इस क्वेश्चन में ट्राई टू फाइंड आउट कि इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें है चाइनाज ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात हो रही है वो सूटेबल था या नहीं वो बाद में देखेंगे पहले हमें ये देखना कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में ही बात होनी चाहिए किसी और सिस्टम के बारे में बात नहीं होनी चाहिए इफ ये भी हमें मिलता है ये भी मिलता है ये भी मिलता है तो तो ट्रू है अगर हमें लाइक like, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो भी फॉल्स होगा यहाँ कुछ गड़बड़ है तो भी फॉल्स होगा बाकी सब कुछ मिल रहा है और यहाँ कुछ गड़बड़ है वॉज सुटेबल फॉर इंडस्ट्री तो भी फॉल्स होगा बट ट्रू नॉट गिवन कब होगा नॉट गिवन इसमें कब होगा जब हमारा मेन चीज़ गायब होगी लाइक like, uh, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है चाइना के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात हो रही है कि वॉज नॉट सूटेबल फॉर इंडस्ट्री कि अगर वो उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है सपोज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है सपोज आई मीन टू सेव नॉट गिवन कब होगा जब हमारी मेजर इन्फॉर्मेशन गायब होगी ओके okay. मेजर इन्फॉर्मेशन गायब होगी लाइक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में वहाँ कोई बात नहीं होगी या सुटेबिलिटी के बारे में बात नहीं होगी तब हमारा नॉट गिवन होगा बाकी सब कुछ होगा ओके नेक्स्ट इज टी एंड बियर बोथ हेल्प टू प्रिवेंट डाइसेंट्री इन ब्रिटेन ओके टी एंड बियर जो है वो दोनों ने हेल्प की प्रिवेंट ये दिस डिजीज़ है एक ब्रिटेन में मतलब सबके लिए होता है तो वो डिजीज़ को प्रिवेंट रोकने में हेल्प की ये हमारा इसका स्टेटमेंट का मीनिंग है दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट ओके इफ वी गॉट द सेम टी एंड बियर बोथ हेल्प टू प्रिवेंट देन इट इज ट्रू अगर हमें मिलता है कि एक चीज़ के बारे में बात हो रही है टी या बियर के बारे में और ये हो जाएगा कि बियर ने हेल्प की टू प्रिवेंट दिस डिजीज़ इन ब्रिटेन तो अपना फॉल्स होगा और अगर टी एंड बियर की कोई बात ही नहीं हो रही क्योंकि इस सेंटेंस में मेन अपना क्या है मेन ये दो चीज़ें हैं एंड टू प्रिवेंट डाइनस्टरी ओके अगर दोनों में से कोई एक चीज़ अच्छे से गायब हो रही है जैसे टी एंड बियर के बारे में बात नहीं हुई है या प्रिवेंशन के बारे में डिजीज़ तो है बट प्रिवेंशन के बारे में बात नहीं है तो ये मेजर चीज़ अगर हमें नहीं मिलती है तो ये नॉट गिवन होगा next is 10th roy potter disagrees with professor uh, macfarlane's findings okay now we have to find this person's name and this person's name uh, in the reading and then we will try to find whether he agrees or disagrees with this if he agrees then of course if he agrees this person if he agrees with this person then it is uh, false if he disagrees

अगर देर वॉज ए रिडक्शन अगर यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्टेटिक है पॉपुलेशन या लाइक like, uh, uh, अगर बोल रहे हैं कि 1740 uh, में पॉपुलेशन जो स्टेटिक थी ब्रिटेन में तब हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि ये कह रहा है रिडक्शन और वो वहाँ पे स्टेटमेंट अगर इन्फॉर्मेशन बोल रही है कि स्टेटिक या मतलब कॉन्सटेंट ठीक थी या रुक गई थी या बढ़ रही थी तो अपना फॉल्स हुआ लेकिन नॉट गिवन कब होगा नॉट गिवन होगा जब पॉपुलेशन रिडक्शन की ही बात नहीं हुई है ठीक है या ये दिस थिंग इसका कुछ नहीं है मेन इसमें इस नॉट गिवन हमेशा ऑलवेज वही होता है जो मेजर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गायब होती है मोस्टली तब नॉट गिवन होगा ट्वेल्थ पीपल इन ब्रिटेन यूज टू मेक बियर एट होम ओके पीपल जो लोग जो हैं इन ब्रिटेन यूज़ टू मेक बियर एट होम वो कह रहे हैं कि जो ब्रिटेन के सिटीजन्स हैं वो घर में बनाते थे बियर अगर वो घर में नहीं बनाते थे फैक्ट्रियों में बनाने की बात हो रही है तो हम फॉल्स कर देंगे पीपल इन मेक यूज़ टू मेक बियर अगर बियर की कोई बात ही नहीं हुई है वहाँ पे। मेन इसमें क्या है पीपल इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रिटेन तो चल ही रहा है पूरे उसमें ब्रिटेन ही चलेगा तो यूज़ टू मेक बियर अगर बियर नहीं बनाते हैं मीन्स इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा नॉट गिवन होगा बिकॉज मेन इंपॉर्टेंट थिंग इस सेंटेंस में इस स्टेटमेंट में दिस इज थर्टींथ द टैक्स ऑन मॉल्ट इनडायरेक्टली डायरेक्टली कॉस्ट ए राइज इन द डेथ रेट ओके द टैक्स ऑन मॉल्ट इनडायरेक्टली डायरेक्टली कॉस्ट ए राइज इन द डेथ रेट ओके अगर टैक्स जो मोल्ट के ऊपर कोई जो थिंग है उस टैक्स जो है मोल्ट के ऊपर कुछ भी लगाया है इनडायरेक्टली उसकी वजह से डेथ रेट बढ़ गई हैं तो अपना तो 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 ट्रू होगा ही होगा लेकिन अगर वो कहता है कि टैक्स किसी और चीज़ पे बात हो रही है और इससे रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही है तो ऑफकोर्स नॉट गिवन होगा लेकिन अगर टैक्स की बात हो रही है कि किसी चीज़ पे लगा है और बाकी फिर वो बात हो रही है कि राइज इन द डेथ रेट हो रही है ओनली वॉल्ट इज मिसिंग या डज नॉट कोज ए मिसिंग तब अपना फॉल्स हो जाएगा मतलब स्टेटमेंट थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है जिसमें तो वो अपना वो फॉल्स होता है सो लेट्स फाइंड इट हाउ टू फाइंड दिस एर्थ क्वेश्चन फर्स्ट एटीन सेंचुरी एंड विद द वर्ड हेल्प ऑफ दिस वर्ड चाइना ओके लेट्स फाइंड इट एटीन सेंचुरी एज वेल एज चाइना okay 18th century is here okay china i have to find the word china here okay pencil should your pencil should move uh, faster than your mind thinks okay cheap labor population england is here japan is here netherlands france is here Industrialization is here sufficient to cause Macfarlane. Okay, this person's name we have to find. After all, Holland had everything except coal, while China also had many. Okay, yes, China is here. Yes, we were looking for China. Also had many of these factors, but which factors? Which factor? Which system? They are not talking about it at all. So.

ऑफ कोर्स एटीन सेंचुरी तो ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ से एटीन सेंचुरी चल रहा था तो चाइना का ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में और सूटेबल था या नहीं देखो अभी आप वाइल चाइना ऑल्सो हैड मैनी ऑफ दीज फैक्टर्स हैड ओके ऑल बट नॉट सफिशेंट टू कॉज रेवोल्यूशन मेन जो है अपना यहाँ पे चाइनाज ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट सूटेबल फॉर इंडस्ट्री ये तो अपना वहाँ दिया ही नहीं हुआ है so, सो मैं इसको लगाती हूँ इसको एट्थ uh, के लिए नॉट गिवन ओके नाइन्थ टी एंड बीयर बोथ हेल्प टू प्रिवेंट डांस इन बिटेन ओके टी एंड बीयर ओके बीयर आल्सो आई हैव टू फाइंड टी येस टी एंड बियर ऑफ कोर्स सी एक बात आप नोट करो आपको ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन हैं ये स्टेटमेंट ये आपको नंबर वाइज मिलेंगे ये उल्टे पुलटे नहीं मिलेंगे जहाँ पे आपका फर्स्ट हुआ है फिनिश उसके बाद सेकेंड थर्ड ऐसे मिलते जाएंगे ओके okay, अब बात करते हैं येस yes, बियर हमें मिल गई थी टू ऑफ द नेशंस फेवरेट ड्रिंक्स ओके टू प्रिवेंट डाइनस्ट्री ये पता करना है हमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ of tannin the active ingredient in tea and ho and of hoops in beer plus the fact that both are made with boiled water okay allowed urban communities to flourish at co uh, close quarters without scum okay waterborne disease such as this 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 yes it is clearly given it is बिल्कुल अच्छे से साफ दिया है कि ये दोनों जो ड्रिंक्स थी ये कैसे बन रही थी बॉइल्ड वाटर एंड उसकी वजह से कम्युनिटीज़ फ्लोरिश हो रही थी क्लोज क्वार्टर बिल्कुल साथ साथ में रहते हुए भी विदाउट कम्बिंग टू उनके विदाउट उनके मतलब कोई वाटर बॉर्न डिजीज जैसे ये ये नहीं हुआ था यस yes. तो इसकी वजह से ये yes. तो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट डैंसट्री इन बिटेन यस दिस इज़ ट्रू ओके okay next is 10th roy porter disagree okay now i have to uh, i have to uh, found this name this person and this person rock uh, this person i have found it everywhere in this and what i have to found Roe. yes roy porter is here so macferles case has been strengthened by support from notable quarters roy porter the distinguished medical historian recently wrote a favorable appraisal of his research yes यहाँ तो दिया है कि रॉय पॉटर ने जो इसने सब कुछ लिखा था उसको सपोर्ट किया है बट यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है ना क्वेश्चन तो जो है मेन जो वर्ब यहाँ पे है डिसएग्री बोल रहा है कि रॉय पॉटर डिसएग्रीज विद दिस फाइंडिंग दिस पर्सन फाइंडिंग सो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है मींस ये यहाँ पे एग्रीमेंट की बात हो रही है बाकी सब हमें मिल गया तो मींस फॉल्स मैच करना है स्टेटमेंट एज वेल एज इंफॉर्मेश मीनिंग 11th, after 1740, there was a reduction in population in Britain. Okay, first, help helps with this word 1740. I will be able to find and population. The location of this answer. Okay, 1740 is here. Yes. Okay, 18th century diet required between 1650 and 1740, the population in Britain was static. What? Static means, let's read it. What the question is saying after 1740 there was a reduction in population in Britain. No, okay, but uh, here it is given after 1740 between 1650 and 1740, it means uh, almost about 1740, the population in Britain was static, means it was stable, but here it is in the question is given there was a reduction in. ब्रिटेन बट देन देर वॉज ए बर्स्ट इन पॉपुलेशन ओके नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा बर्स्ट इन पॉपुलेशन ग्रोथ तो हमारा जो है इसके लिए भी फॉल्स आंसर होगा वाई बिकॉज आई एक्सप्लेन यू आफ्टर दिस देर वॉज ए रिडक्शन इन पॉपुलेशन इन ब्रिटेन तो ये मिसमैच हो रहा है वहाँ तो कह रहे हैं कि स्टेबल था एज वेल एज़ फिर इंक्रीज हो गया बर्स्ट हो गया पॉपुलेशन एक्सपेंशन में सो आर आंसर इज फॉल्स ओके पीपल इन ब्रिटेन यूज टू मेक बीयर एट होम पीपल इन ओके बीयर एट होम बियर तो हमें मिला था कहीं देखते हैं फिर से कहीं एट होम की तो बात हुई नहीं थी यहाँ पे भी अफकोर्स बियर hmm, की यहाँ बात हुई थी यहाँ तो ऐट होम तो कोई बात नहीं हुई थी बट स्टिल वी कैन फाइंड इट इन डी पैराग्राफ दिस कैन बी फाइंड इट ओके पॉसिबल मेडिकल चेंज नाइनटींथ फूड इज लेफ्ट बियर की और कहाँ बात हो रही है लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ बीयर इज हेयर येस आई कैन सी लेट्स रीड इट ओके प्रोवाइड लेबर फॉर दिस रेवल्यूशन बट वैन गेट डिजीज पर्टिकुलर फ्रॉम ह्यूमन वेस्ट सम डिगिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स चेंज इन In, in incidence of waterborne disease at that time make fun, disuse, n Deduced the whatever British were drinking must have been important in regulating disease. He says we drank beer for a long time the English were protected by the strong antibacterial agent in hopes hoops which were added to preserve the which were added to help preserve the beer okay but in the 17th it text was okay but here okay the statement is okay sorry. स्टेटमेंट इज सेइंग ब्रिटेन पीपल इन ब्रिटेन यूज टू मेक बियर एट होम बिल्कुल भी इसकी बात नहीं हुई थी वो वो बोल रहे हैं कि जो ब्रिटेन के पीपल जो सिटीजन्स थे वो घर पे बनाते थे इस घर की और मेन इंपॉर्टेंट बहुत बात है कि मेकिंग की बात नहीं हुई होम की बात नहीं हुई तो अपना आंसर क्या हुआ नॉट गिवन ये तो बिल्कुल भी कहीं पे भी बात नहीं हुई थी अगर लिखा होता कि वहाँ स्टेटमेंट में यहाँ पे अगर लिखा होता एट होम अगर वहाँ लिखा होता इंडस्ट्री में बनती थी कहीं कुछ तो दिया होता ना मेकिंग के बारे में तब हमारा नोट फॉल्स हो सकता था बट अब इस टॉपिक के बारे में नथिंग इज गिवन दैट्स वाई इट इज़ नॉट गिवन थर्टींथ इज द टैक्स ऑन मॉल्थ इनडायरेक्टली कॉज ए राइज इन द डेथ रेट यस टैक्स की बात अभी अभी जैसे हमने पढ़ा था उसको उसमें थी यस yes. हैं इसको. टेक्स जो है ओके ओके लेट्स रीड इट इन दिस सेम पैराग्राफ लेट अपने सेंचुरी मिल गया द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ बियर ओके दुअर टर्न्ड टू वॉटर एंड जिन इन द सेवनटीन द मोर्टिलिटी रेट मोर्टिलिटी डेथ रेट बिगेन टू राइज अगेन देन इट सडनली ड्रॉप अगेन वॉट कॉस्ट ओके वो बोल रहे हैं कि सेवनटीन सेंचुरी में एक टैक्स लगा मोल्ट के ऊपर जो बियर बनाने में काम आती थी जिसकी वजह से पुअर लोगों ने उसको पीना छोड़ दिया और फिर जिससे डेथ रेट इंक्रीज हो गई सो so, अपना आंसर जो है द टैक्स ऑन इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली मीन्स अब ऐसा तो नहीं है कि अब इनडायरेक्टली ही लिखा है येस वी गॉट द वर्ड हेयर द टैक्स ऑन मोल्ट कॉस्ट ए राइज इन द डेथ रेट येस दिस इज़ ट्रू इट इज़ गिवन कि उसकी वजह से देखो मैं फिर से लेट मी शो यू अगेन दिस थिंग द बट इन द 17th सेंचुरी टैक्स वॉज इंट्रोड्यूज ऑन मोल्ट द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ बियर द पुअर टर्न टू वॉटर पुअर जो है वो जब टैक्स ज्यादा हो गया मॉल्ट पे बियर नहीं ले बियर दे वर्ट एबल टू बाय द बियर एंड ऑल पुअर टर्न टू वाटर पुअर लोग जो है वाटर एंड जीन पे आ गए इन द सेवनटीन ट्वेंटी द मोर्टिलिटी रेट बिगेन टू राइज बिगेन टू राइज अगेन ओके इसलिए अपना आंसर ट्रू हुआ सो अब नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस ट्रू फॉल्स नॉट गिवन थैंक यू थैंक्स